स्वीटी का पहला घर देखना पहली बार है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप माय फ्रेंड्स बहुत अच्छा खुश रहना, हैप्पी रहना, जैसे बंद रहना दिमाग से स्मार्ट रहना। और आज हमारे लिए बहुत सबके लिए बहुत बड़ी एक चीज़ है, आज हमारे घर का लाइफ का पहला घर, हमारे खुद का घर का रजिस्ट्रेशन आज होगा। इसीलिए हम लोग जा रहे हैं, साथ में ऑफिस गए थे तो हाफ डे करके आ गए। और स्वीटी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, मम्मी ने सुबह में उठ के फटाफट खाना भी बना दिया। स्वीटी नहीं जा पा रही है, वो वहाँ पे जाके दीदी के साथ रहेगा। और वहाँ पे जाके भी क्या, वही रजिस्ट्रेशन का जगह, ऑफिशियल जगह पे वहाँ पे होता है यार, सरकारी काम। तो वही सारे भगवान की कृपा से मतलब हमारे एक छत हो गया मुंबई पे रहने के लिए। भगवान की कृपा, हाँ वही भगवान रहता है। तो आपका विश्वास, बहुत दिनों से ये चल रहा था, ये पिछले सिक्स मंथ का ये ड्रीम है बोल सकते हो। हर लड़की जब आती है ना मुंबई, या अपने शादी करके जब भी जाती है, एक सपना रहता है जो पहला घर। ये घर का सपना भी दिखाया था मेरे पापा ने, क्योंकि पहले पहले लगता था मुंबई पे इतना एक्सपेंसिव जगह पे घर कैसे लूंगी, होता है स्टार्टिंग में। लेकिन पापा ने बोला था मुंबई पे घर खरीदना है। मम्मी नहाने गई थे, नहीं तो मम्मी के लिए, मम्मी खाना बना के उधर बैठी हुई है। चलो खाना खाते हैं। मम्मी आज क्या बनाई देखो, ये है मम्मी का, ये स्पेशल रेसिपी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये है स्प्रिंग अनियन, आता ना स्प्रिंग अनियन, पोटैटो टोमेटो दे के झाल दिया बोलते हैं इसको, मस्त लगता है खाने में। और परवल फ्राई, दाल है तो दाल नहीं खाऊंगी मैं, स्वीटी दाल गरम करे नहीं बिता ले हम खाऊंगा दाल। और यहाँ पे चल रहा है पापा का सूस चमका, ये रोज ऐसे चमका देना है, रोज चमका, एटलीस्ट हफ्ता में दो तीन दिन तो चमकाना पड़ेगा, तभी एकदम शाइनी का। हाँ शांतनु पॉलिश करता नहीं है खुद, बाप रे, महीना में एक बार करता होगा, इसीलिए शूज जल्दी जल्दी खराब भी हो जाता। चलो चमका चमका। What if your sweetness could reach everyone, there'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. चलो अभी हम लोग पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट, अभी पार्किंग वार्किंग करके काम वाम खत्म करके फिर आपसे। मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मैंने कभी किया है। मेरा सेकंड एक्सपीरियंस सुनो ने किया है, मेरा सेकंड है। क्या होता है, क्या प्रोसीजर है, आगे फिर मेरा थोड़ा सा ये नर्वस का क्या चीज है, नर्वस नहीं, क्या क्या होता है, मतलब क्या कहते देख लेना थोड़ा सा समझ में। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, तुमको भी ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। एग्जाम क्या, दोबारा तुम बोले ना, मैं मेरा फर्स्ट है, क्या होता है प्रोसीजर मुझे नहीं पता, मुझे नहीं है। तुम्हारा उंगली का छापा देने पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, और क्या, वही ना पता नहीं है ना क्या होता है। चलो हाँ, मुझे देखो कितने झाड़ है, जगह अच्छा है, यहाँ भी तो पार्किंग करने अलाउड करना चाहिए था। देखो हाँ, यहाँ पे इतना अच्छा पार्किंग का जगह है, हाँ यहाँ भी करना चाहिए था। बैठ जाओ यहाँ पे, बैठ तुम्हारे पे, देखो गंगा जल छिड़काया हुआ है, गंगा जल है तुम्हारे लिए, हम लोग फर्स्ट आए लग रहा है। और देखिए क्या कर भाई साहब, जामुन तोड़ रहे क्या। The trees will whisper the word, maybe the sun will spread your joy to the world. देखो देखो ये पागल को, यहाँ से डेकोर अभी हो गया मुझे, कॉन्ग्रेचुलेशन, अंगूठा दिखाओ, अंगूठा दिखाओ, थम कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। पहले वो मोटा वाला देखे थे, कौन सा वाला ये वाला, अच्छा पागल, ए खपा, ए खपा मानुस है ये, एट की करबे, हट सड़ जाएगा ये। मैंने ये वाला उठाया, पीछे जो भी लोग रहेंगे सब सब पागल क्या पागल समझेगा। अरे नहीं, इतना मोटा वाला डंडा ये डीआईवे में मेरे काम आएगा, कब से मैं ढूंढ रही थी इतना मोटा वाला, वो घर पे मैं छोड़ के आई थी। तो अच्छा है ना, कितना अच्छा सा डंडा मिला है, डीआईवाई करूंगी मैं अच्छा खासा। मैं उठा रही, मैं पीछे नहीं मुड़ के देखा, मैं बोला जिनका घर भी ले रही थी वो भी सोचेंगे मैत्री ये क्या कर रही है, ये ले जाके क्या करेंगे। आई होप समझेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। रुकवा ना, गाड़ी पे थोड़ी रुकेगा, बीच पे घुसाना पड़ेगा।
ये पूरा 5 फुट का लंबा, देखा मेरा हाइट है। ओ बाबा 6 फुट का, मेरे से भी लंबा। 6 फुट का डंडा लेके जा रही हूँ। ब्रिज चलो, ब्रिज हावड़ा ब्रिज लग रहा है। मिठाई कैसे लोग जाना पड़ेगा। तुम बैठो, मैं थोड़ा मिठाई लेकर छाता ले जाने की जरूरत नहीं है। जाओ क्या छोटे का नहीं है तुम्हारे? नहीं है, खाली है। I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me. Say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Hello, Mister. Hello, congratulations. आप सब नए घर की खुशी में मिठाई जरूर लेना। और स्वीटी को वो जो डंडा था ना, वो गाड़ी पे रह गया था, वो लाने के लिए बोला है। अभी वो लाने के लिए गए। डंडा लेके किसको पिटना है? किसको पिटना है? देखा गया? रखो अभी। स्वीटी का पहला घर देखना, पहली बार आई है हमारे खुद का घर देखना, कैसा लग रहा है? पहला दिन सिटी को घर कैसा लगा? अभी घर साफ सफाई बाकी है। एक्चुअली सिटी का हंसी देख के समझ में आ रहा है ना। हाँ तो खिला धूप भी है, देखो खत्म भी हो गया, धूप भी है और बारिश भी है। अजीब वेदर है, अजीब है। आज शांतनु खाना बना रहे, मतलब अच्छा कुछ मिलेगा। ये रेसिपी मैं पहले बता देती हूँ, क्योंकि ये रेसिपी मैं वो घर पे शूट किया था, वही वाला आप लोग से शेयर कर रही हूँ। ये पंजाबी गरम मसाला बन रहा है, तो इसका रिकप देख लो, इसके बाद मेन रेसिपी अलग होगा। 10 बड़ी इलायची, 20 छोटी इलायची, ये कड़मम भी बोलते हैं, और ये दालचीनी 20 एक इंच साइज के, और एक जायफल, एक जयत्री 1 टेबलस्पून लौंग, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 2 टेबलस्पून धनिया और 1/2 कप जीरा। ये पंजाबी गरम मसाला बना रही हूँ। ये मेरी चैनल का स्टार्टिंग वीडियोस है 2018 का या 2017 का, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, इतने साल हो चुका है। थोड़ा किचन भी अलग था, तो ये गरम मसाला जस्ट रोस्ट करके उसको पाउडर बना लेना है, तो बन गया आपका पंजाबी गरम मसाला। ये मैं फ्रिज में बना के ज़्यादा करके रख देती हूँ, तो बहुत अच्छा रहता है, ये ज़रूर बनाना। यहाँ पे शांतनु का तैयारी चल रहा है। यहाँ पे अनियन और काजू, काजू को बॉईल किया जा रहा है, और यहाँ पे अनियन का ब्राउन अनियन बनाया जा रहा है। आज शांतनु बनाएगा स्पेशल रेसिपी, मतलब यम्मी यम्मी। बहुत दिनों बाद है शांतनु मतलब किचन पे प्रॉपर। और ये अनियन और काजू ठंडा हो गया, अभी इसमें देंगे थोड़ा सा जिंजर गार्लिक, और इसका भी पेस्ट करना। आज मैं शांतनु का हेल्पर सब कुछ। ये स्मूथ पेस्ट अभी है असली चीज। यहाँ पे आ जाओ दिखाओ दिखाओ, सब कुछ करके दे। पनीर लिया है, उसको मैश कर लिया है थोड़ा सा। इसमें देंगे थोड़ा सा चॉप्ड रेसिन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, किशमिश, काजू, धनिया और ग्रीन चिली मिक्स करना है। और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, इसको ठीक तरह से मिक्स करना है।
अबे असली चीज मैत्री ने किया है ये क्यों क्यों करके काट के क्यों कर लिया क्यों करके फिर इसको सैंडविच जैसा बीच में हाफ हाँ। किया अब इसमें क्या करना है ये थोड़ा फिलिंग डालना है जो स्टफिंग है थोड़ा सा जितना चौड़ा करोगे उतना चौड़ा हो सकता है डाल के ये मस्त रेसिपी बहुत सालों बाद बन रहा है बहुत रेयरली बना है ये रेसिपी कुछ खास रेसिपी होता है ना तो बहुत कम बनता है ऐसे करके सबको शांतिलु का एक दोस्त को मैंने खिलाया था तो वो मुझे याद है जो उन्होंने तारीफ किया था बहुत पहले का बात ऐसे करके सारे पनीर को बना लेना है मैं हेल्प कर दूं फ्राई करने का काम ये मैत्री को दिया है वो जो सैंडविच है वो बेसन के घोल में डुबो के तेल में डाल देना है ऐसे करके वो सारे सैंडविच बेसन में सिर्फ हल्दी मैंने दिया है ए नमक नमक बेसन में सिर्फ नमक सॉल्ट डाल के उसको चलो फ्राई करना है जो होता है ना थोड़ा के जैसे फ्राई कर लेना है आप एकदम पूरा डीप फ्राई कर सकते हैं मैं थोड़ा सा तेल में कर रही हूँ और ये सब फ्राई हो गया और अभी उसी तेल में जो पेस्ट बनाया था अनियन और काजू गार्लिक जिंजर का वो देखिए ये मसाला दे दिया तो पूरा तेल छोड़ दिया कढ़ाई छोड़ दिया कश्मीरी चिली पाउडर थोड़ा सा और वो पंजाबी गर्म मसाला देखिए इसको और थोड़ा देर अच्छी तरह से भूनना है मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो गया है अभी देंगे इसमें फिटी हुई दही देखिए इसको भी कंटिन्यूसली घुमाना है और यहाँ पे जो वो ब्राउन अनियन बनाया था इसको थोड़ा सा पानी देके पेस्ट बनाना स्मूथ पे 5-7 मिनट फ्राई करने के बाद अभी दे देंगे जो ब्राउन अनियन पेस्ट था वो फ्राई पेस्ट वो दही दिया था इसलिए उसका खट्टा बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा शुगर सॉल्ट नमक स्वाद अनुसार देखे थोड़ा देर और उसको कुक करना है अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी दे सकते हैं आपके ग्रेवी के अनुसार 2-3 मिनट थोड़ा उबलने के बाद घर में बनाया हुआ थोड़ा सा फेस क्रीम ये क्रीम नहीं है ये है मलाई बस ये अभी देख के थोड़ा सा मिक्स करेंगे एक जन खाना बना रहा है एक जन बर्तन साफ कर रहा है दो दो बर्तन तुम्हारे फेवरेट का नहीं पहले से पता रहता तो ये भी ग्रेवी बन गया ये भी हीट में है और जो पकौड़ा था उसको भी मेरे भाषा में नष्ट करो नष्ट कर देना इसको लेकिन ये रेसिपी है ऐसा या तो आप पकोड़े के ऊपर से ग्रेवी वैसे भी कर सकते हाँ, हैं ग्रेवी बन चुके देखने में अच्छा लगता हाँ, सर ऐसे करके सर्व करो सर्व करो थोड़ा सा सिमर कर दो हल्का ज्यादा बॉयल मत करना नहीं तो पूरा भुतुड़ी निकल जाएगा उसके नहीं पकोड़ा दे और ये अगर बच गया तो ये खा लो दो पकोड़ा खा लिया गायब दो और ये स्वीटी ने बुलाया ये मेरे लिए गार्लिक ब्रेड मम्मी को उतना पसंद नहीं आया क्योंकि होता है ना कुछ खाना धीरे धीरे अपने पैलेट में आता है हाँ मम्मी को नॉर्थ इंडियन टाइप का खाना ज्यादा पसंद है इसलिए मेरा स्पेशल पनीर पसंद आई है सबको पसंद हाँ इसका ड्राई वर्सन ही मस्त है बस बस तू ये तो बस जा और ये इस तरह से इसके बीचों बीच इस तरह से स्टफिंग और ग्रेवी तो लगता है ग्रेवी टच है काजू अनियन प्याज गरम मसाला थोड़ा सा खाके बताओ कैसे बना है मम्मी बताएगी कैसे बना है हाँ ग्रेवी खाओ के बताओ मम्मी प्रणाम करते खाना के मम्मी को अच्छा लगता है मम्मी को उस दिन भी और एक रेसिपी बनाया था क्या पनीर का ही कुछ तो वो भी बहुत पसंद आया था सूटी क्या दर सूटी क्या लाया है ये आइस टी खा के देखो टेस्ट नहीं है उतना कुछ भी उससे ज्यादा मेरा कोल्ड ड्रिंक से बेटर है कोल्ड ड्रिंक से अच्छा बाल ना ना ও আচ্ছা সব থেকে বাজে বাজে জিনিসগুলো টেস্ট হয় এটা কালো যায় সবারই যায়